हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। पाकिस्तानी मीडिया चीख रहा है इस टाइम, लिटरली चीख रहा है। भाई मैं ये क्यों लव्ज यूज किया है, ईसीबी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को बैन लगा दिया है पीएसएल खेलने से, कि पीएसएल तुमने किसी हाल में भी नहीं खेला, जितना मर्जी सिर्फ आईपीएल खेलोगे, दुनिया में कोई भी लीग नहीं खेलोगे, पीएसएल तो खेलोगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आईपीएल तुम खेलोगे और बाकी लीग से बायकॉट, स्पेशली पीएसएल से बायकॉट करने का बोल दिया। आईपीएल खेलेंगे पीएसएल, पाकिस्तानी मीडिया चीख रहा है भाई इस टाइम। तो इसके ऊपर वीडियो आ गया, काउंट करते हैं स्टार्ट। इस वक्त पहले चैंपियंस ट्रॉफी के जो इजलास है उसके हवाले से बात करने से पहले बताइएगा, जो इंग्लिश बोर्ड ने अपनी टीम को मना किया है पीएसएल खेलने से और आपने खबर दी है आईपीएल में उसको जाने की इजाजत दे दी गई, ऐसा क्यों किया गया? देखिए, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि क्योंकि उनका काउंटी सीजन होता है तो वो चाह रहे हैं कि उनके प्लेयर्स थके ना, लेकिन ये एक दोहरा मयार है कि आईपीएल की नहीं उन्होंने इजाजत दी है, लेकिन पीएसएल में गुजश्ता साल पीएसएल में इंग्लैंड के 16 क्रिकेटर्स आए थे, जो नाइन्थ एडिशन था और सबसे ज्यादा 4 पेशावर दलमी भी खेले थे, उनके पास के क्रिकेटर थे, लेकिन इस मतलब वो एक्शन में नजर नहीं आएंगे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आपको इंतजार है, उसके बाद ही सही सूरत हाल का अंदाजा होगा। अभी न्यूज आई है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मना कर रखा है अपने क्रिकेटर्स को कि वो स्वाई आईपीएल के कोई और लीग नहीं खेलेंगे। ऑफ कोर्स उसमें पाकिस्तान सुपर लीग भी आती है, बट ज्यादातर लोग पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेट करके कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान इंडिया यू नो कंपैरिजन होता है। वो कहते हैं हमारी काउंटी क्रिकेट में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रहना चाहिए, हमारे मेन क्रिकेटर्स काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर आईपीएल खेलने का पैसा ज्यादा उनको चाहिए, तो ये पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो। मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑप्शन में नहीं बिके एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो भी नहीं आएंगे। वो देखिए, ये तो अब इंग्लैंड में उनके क्रिकेटर्स और उनके क्रिकेट बोर्ड के दरमियान की चीज है कि वो जाहिर है उनका राइट टू अर्न है, ठीक है जी, राइट टू लाइवलीहुड है, और अगर उन्हें एक जगह ही नहीं मिलती और दूसरी जगह मिल जाती है तो उनके लिए तो वो एक लीग ही हुई ना। के पीएसएल में आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी आईपीएल की ऑक्शन हुई, बहुत ही शानदार अंदाज में हुई, जद्दा में हुई, और उसके बाद सऊदीया ने भी कहा कि हम भी आईपीएल की तरफ से एक लीग बनाना चाहते हैं, तो आईपीएल का ये एक डेफिनेटली फैन फॉलोइंग है। पीएसएल इस बार क्योंकि सेम विंडो में है और तमाम अच्छे प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं, पीएसएल इस वक्त खासा परेशानी में भी नजर आ रहा है, और दूसरी जानब इंग्लैंड ने भी मना कर दिया है कि वी आर नॉट सेंडिंग आवर प्लेयर्स एनीमोर। तो इस बार पीएसएल का वो जुनून, वो जज्बा, मुझे लगता है ग्राउंड्स तो हमारे नए बन गए हैं, मतलब बन रहे हैं, लेकिन ये कि वो जो एक जज्बा है, वो जो एक प्लेयर्स को देखकर खुशी होती है, वो तो हमें लोकल प्लेयर्स के साथ ही बिल्ड करनी पड़ेगी। देखिए, मैं आपको बताऊं पीएसएल और आईपीएल लोकल प्लेयर्स होने वाला, सिर्फ पाकिस्तान के बगैर मामला नहीं चलेंगे, सिर्फ भारत अगर पैसे बना सकता है तो भारत से खेलकर बना ले। पीएसएल शुरू होने से पहले ही समझो खत्म होगी। पीएसएल 10 की मैं बात कर रहा हूँ, आपको पता ही है कि पीएसएल के साथ क्या हुआ। एक तो चैंपियंस ट्रॉफी आ गई पीएसएल की विंडो के अंदर, पीएसएल चलेगी आईपीएल की विंडो के अंदर। पहले ही जिसको कहते हैं हमारी लीग मसा मसा चल रही थी, आईपीएल के साथ जब मुकाबला हुआ तो सबसे बड़ा स्टापा पड़ गया कि प्लेयर कौन आएगा, क्योंकि अब आपने देखा होगा सारे के सारे बड़े खिलाड़ी आईपीएल में बिक गए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो कि बड़े नाम थे लेकिन आईपीएल के अंदर तो हम बड़े खुश थे। मैंने एक प्रॉपर लिस्ट भी बताई, उसके अंदर काफी सारे बड़े नाम भी बताए कि पीएसएल खेलने के लिए अवेलेबल है। हुआ क्या कि तकलीफ में पाकिस्तान था, इंग्लैंड ने और तकलीफ पहुंचा दी, इंग्लैंड ने अपने सारे के सारे प्लेयर्स को बैन कर दिया पीएसएल खेलने से, इंग्लैंड ने पीएसएल में जाने से ही मना कर दिया। हम तो जो चाहे करें, हम जब भी कुछ करते हैं पाकिस्तान तो आ ही जाता है, पता नहीं वो क्या सोचते हैं। एक दफ़ा मैं इंडियन चैनल पे किसी बात कर रहा था तो वहाँ पे एक क्रिकेटर बैठा था, मुझे अब उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो मुझसे प्रोग्राम में कहने लगा, अरे इनके साथ मत खेलो, इनको पैसे की ज़रूरत है, ये पैसे बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं, उसने अपने मुंह से बोला कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान पैसे बनाए। वो बहुत ही मुझे घटिया उसकी ये बात लगी, मगर खैर चले, वो पता नहीं किस किस्म का स्पोर्ट्समैन था, तो कहीं उनके जहन में ये तो नहीं है कि हम उनके साथ खेलेंगे तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, एक दफ़ा हम करके तो दिखाएं। मैं तो कहता हूं कि बहुत हो गया, हमने बहुत सबर किया, हमने हमेशा भारत के फेवर किया है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, अब तो चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा जोर शोर से चल रहा है, हालांकि आज जो मीटिंग होने वाला था वो कल तक पोस्टपोन हो चुका है। कल क्या अपडेट आएगा वो तो आपको मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन आईपीएल पीएसएल को लेकर बड़ा अपडेट आया है, खासकर पीएसएल को लेकर, जो पाकिस्तान अब दावा कर रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में बाकी दूसरे जो फॉरेन बोर्ड है वो उसको सपोर्ट करेंगे भारत के खिलाफ, लेकिन ईसीबी ने अब खबर ये है कि जो इंग्लैंड के क्रिकेट प्लेयर है उन पर बैन लगा दिया है कि वो पीएसएल नहीं खेलेंगे, वो आईपीएल खेल सकते हैं लेकिन पीएसएल या फिर कोई अदर लीग नहीं खेलेंगे। इस बात को लेकर पाकिस्तान में रणधना चल रहा है। आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए, मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। उन
उनके लिए तो एक लीग हुई, एक लीग हुई। तो अब देखना है कि वो जब वो कोई उसको परसू करेगा लीगली तो वो किधर मैटर जाएगा, क्योंकि वो कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है कि जहाँ पे क्रिकेट बोर्ड जो है वो प्रेशर डाल देगा और सारे मान जाएंगे और वो कहेंगे नहीं भी नहीं कुछ नहीं करना, ये ना हो कहीं हमारा ना हो। हम सबको याद है स्टुअर्ट ब्रॉड को जब सिलेक्ट नहीं किया था एक मैच में तो बड़ा ओपनली उसने कहा था कि जी मुझे क्यों नहीं मैच लाया, मैं तो आई एम यू नो बेटर बॉलर है ये वो। अगले मैच में आकर उसने आउट किया था, कोई ऐसी बात नहीं होती, वही सिलेक्शन कमेटी थी सारा कुछ था। तो दोज वहां पर वहां के जो लोग हैं दे आर डेल्ट डिफरेंटली। तो आई थिंक कि ये अब वो जाने और उनका क्रिकेट बोर्ड जाने, और आई थिंक पीएसएल को इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये जब हम भी एनओसी किसी को नहीं देते कि जी फलाने आपके दो हो गए पूरे हो गए, तो फिर हमारे भी तो लड़के वापस आते हैं ना। नहीं मैं यही अगला सवाल सोचे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उनका भी पूरा पूरा राइट है यार, डोमेस्टिक अपनी खेलो, तुमने कोई नहीं जाना, अभी तो यही कहते हैं अपने लड़कों। बिल्कुल सही है, मैं यही अगला सवाल करने लगा था कि क्या ये पाकिस्तान की पॉलिसी की वजह से तो नहीं हुआ कि हमने बाबर को रोका, नसीम शहीन ये वो सब क्रिकेटर्स को रोका था एक बार, और बाकी काफी लीग्स के अंदर भी हम लोग रोक लेते हैं क्योंकि हमारा अपना कुछ पर्सनल नहीं चल रहा है। से अभी रोके हैं लड़के, आपने अंदर से नहीं रोके अभी लड़के, रोके हैं रोके हैं वो लेते ही जी जी फिर वो लेते ही नहीं है बाबर आजम और उनके क्रिकेटर्स के बयान है, हमने इस पे क्या करना, दो बार बाबर आजम को रिजेक्ट कर चुके हैं सही बात है। ओ भाई लेकिन अभी चेयरमैन साहब मिले थे ईसीबी के हेड को, बट मुझे लगता है कि जब मामला पीएसएल का आएगा तो इनको बात करनी चाहिए ईसीबी के साथ, और ये आइंदा मेरे ख्याल में यही होने वाला है, 10 लीग तो हो रही है दुनिया भर के अंदर, और आप किन किन से रोकेंगे और फिर अगर उनसे रोकेंगे तो बात यह है कि ये दुनिया के क्रिकेट बोर्ड मिलकर वो कुछ लीगें या तो सिलेक्ट कर लें ऐसी कैटेगराइज कर लें उनको कि कौन सी किसको खेलने देनी है कौन सी किसको नहीं खेलने देनी है। अब इसमें अगर से मुकाबला किसी सारी खेल रहे हैं, किसी का दो का कैप है, किसी का आईपीएल के अलावा नहीं खेलना, किसी का तो फिर जिसका जो दिल करता है इसी से तो यार वीडियो खत्म। हर कुत्ते बिल्ले ने अपनी लीग बनाई है, लेकिन आईसीसी के लेवल की लीग मैं कहता हूँ दुनिया में दोबारा पैदा भी हो जाए कोई नहीं। पीएसएल के लेवल पीएसएल नहीं आईसीसी आईपीएल के लेवल की नहीं नहीं पीएसएल के तो आईपीएल के लेवल की तो लीग तो हम खेल ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ पीएसएल के जिस तरीके से ये हम कर रहे हैं ना कि हम अपनी लीग के लिए बुला रहे हैं हम, और ये बात सच है यार, मैं देखो जो बात सच है मैं मुंह पे बोलता हूँ, तलवे चाटने की बात नहीं है। बात ये कि हमारी पता नहीं कौन सी गैरत जाग जाती है, कोई भी लीग आती है एनओसी नहीं दो प्लेयर को, ये प्लेयर नहीं जाएगा वो प्लेयर नहीं जाएगा ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, हम अपने प्लेयर को समझते हैं कि ये भाई इंडियन प्लेयर है, भाई इंडियन प्लेयर की डिमांड भी है लेकिन वो छोड़ता नहीं है, लेकिन उनकी टीम फिर भी उनकी लीग खेलने के लिए तरसते हैं ये तरसते हैं। लेकिन हमारा क्या है, मैं तुम्हें बात बताऊं, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये तो आईपीएल इतना सब कुछ पैसा दे रहा है, जिस दिन आईपीएल ही बहुत है उसके लिए, जिस दिन इंडिया ने अलाउ कर दिया कि आप दूसरी लीग खेल सकते हो, इतने पैसों में ये इंडियन प्लेयर बिकेंगे तुम्हारी सोच है, लेकिन वो करेगा ही नहीं अलाउ, वही तो बात है ना, मैं वही बात कर रहा हूँ, उनको जरूरत ही नहीं है, वो एक लीग खेल के इतना पैसा कमा लेते हैं, इतना पैसा कमा लेते हैं कि क्या बोलूं यार, सही बात है, जरूरत ही नहीं पड़ी। और आप इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड बोल रहे हैं भाई भाड़ में जवान नहीं आते, लेकिन आईपीएल खेलो और पीएसएल नहीं खेलनी आप लोगों ने, मजे की बात है ये, मजे की बात है ये, यही तो चल सारी की बोलते समझ जाता, नहीं आईपीएल खेलेंगे बाकी नहीं खेलेंगे। उसने कहा है कि पीएसएल का मतलब है पाकिस्तान सस्ती, इस बार बेन स्टोक को नहीं लिया भाई, भाई बेन स्टोक को इस बार नहीं लिया ना, बहुत बकचोदी करता था, इस बार ले ही लिया आईपीएल क्योंकि आधे में हमेशा भाग जाता था, आईपीएल ने कहा परे करो, तो आपका कैसे कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।